चलें जी, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स का। हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने पाक यूएस रिलेशंस किया था, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी उसको हमने टच किया था, और पोस्ट 9/11 के हवाले से भी हमने उसको डिस्कस किया था। उसको टू पार्ट्स में बेसिकली हमने डिवाइड किया था। तो इन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए सोचा कि ग्लोबलाइजेशन आपको पहले पढ़ा दीजिए, वरना ये ग्लोबल इश्यूज में आता है और कुछ एंड में जाके होना था इसने एज पर योर सिलेबस। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए दुनिया इंटरकनेक्ट होती है अक्रॉस द बॉर्डर। डिफरेंट तरीके से इंटरकनेक्ट करती है, कल्चरली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली एंड पॉलिटिकली। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों तरह से ही इससे इम्पैक्ट इम्पैक्ट इन पर कर रहे होते हैं। वो एस्पेक्ट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो इन सब को हमने डिस्कस करना है, अलग-अलग अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंटली, ग्लोबलाइजेशन पर ऐसे भी आया है 2022 में CSS में, इसी दफा जो अटेम्प्ट हुई है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। इंटरकनेक्ट इन क्रॉस बॉर्डर और अक्रॉस द बॉर्डर। कल्चरल डायमेंशन है, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी ये हम इंट्रोडक्शन में इसको टच दे रहे हैं। ये कल्चरल मीन्स के हम इंटरचेंज कर रहे होते हैं अपना कल्चर साथ वाले ममालिक से। जिस तरह से एक वेस्टर्न कल्चर है वो पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तानी कल्चर वेस्ट में जा रहा है, ऐसे ही जिस तरह से मीडिया परफॉर्म कर रहा है इंडिया में और मीडिया चैनल्स के जरिए उनका कल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हो रहा है। ये सब ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली। नाउ अडेज ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हैं कि इसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। तो दुनिया अब पहले की तरह नहीं है। अगर हम 90s में देखें तो जो चीज़ उस वक्त के हिसाब से अगर हम सोचते, पॉसिबल ही नहीं लगती कि एक बंदा यहाँ पाकिस्तान में बैठा है और दूसरा बंदा दुबई में बैठा है, तो उससे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं थी। लेटर्स जाते थे, और फिर टेलीफोन हुआ, टेली कम्युनिकेशन हुई, वीडियो कॉल्स हुई, स्काइप, अब 4G, अब नेक्स्ट 5G आ रहा है। तो इस चीज़ ने पूरी दुनिया को, इंडिविजुअल्स को, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इस चीज को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और इसने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। IR की टर्म में हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। इसका फायदा भी है। फायदा यह है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी रेगुलेट कर रही है, कंपनीज रेगुलेट कर रही हैं, मेन के फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि पाकिस्तान में लैग करती हैं, और वो वेस्टर्न कंट्रीज के पास अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं मेडिसन्स बनाने की, तो वो पाकिस्तान में आकर अपनी मेडिसन्स को बेच रही हैं। और दूसरा उसका एज ये है कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन उसमें काफ़ी सारी मेडिसन सब्सिडीज पर या फ्री ऑफ टैक्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती तो गरीब ममालिक, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या ईरान है, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज से हम महरूम रहते हैं। हम वो हेल्थ फैसिलिटीज ना अफोर्ड कर पाते। ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं?
इसमें अगर तो कंट्री गरीब है, एक स्टेट है वो गरीब है, लाइक ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये अगर गरीब कंट्रीज हैं, इसमें अगर इकोनॉमिक सुपर पावर्स जिस तरह से सऊदी अरब, यूएई, चाइना, रशिया, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, वो अगर अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, तो इनइक्वलिटी हो जाती है पाकिस्तानी रुपीज में और डॉलर्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, ट्रेड डेफिसिट हम जिसको कहते हैं। हम उनकी हाई क्लास चीजें इंपोर्ट तो कर पा रहे होते हैं, लेकिन उस लेवल की हमारी चीजें नहीं होती कि हम उनको उस लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकें। फिर भी जैसे कुछ कमोडिटीज हैं, जिस तरह से फूड्स, राइस, ग्रेन्स, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है, हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उस स्टैंडर्ड की हमारी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसको एक्सपोर्ट करके अपना ट्रेड को बैलेंस कर सकें। एक ये वाइट बोर्ड ना यूज करें, काइंडली वाइट बोर्ड ना यूज करें। कौन है? सरदार मोहसिन, वाइट बोर्ड ना यूज करें, ये आपने क्या किया है? इसके बाद एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है लेबर का, कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो फिर सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से लेबर हायर करती हैं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई है, वो गरीब ममालिक से लेबर सस्ते दामों में उनसे बाय करती है, सॉरी रेंट करती है। और ये लेबर जो होती है और कुछ नहीं, इंसान ही होते हैं, कि उनकी ज़रा इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, उधर जॉब के अपॉर्चुनिटीज होते हैं, और वहाँ एज ए लेबर इनको डबल ट्रिपल काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा के और उनको एज अ ग्लोबलाइजेशन यूज़ करके कुछ अपॉर्चुनिटीज देकर ज़्यादा काम कराया जाता है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी एक करेंसी जो है वो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन के लो है। ये हमने इनको एक ओवरव्यू किया है चार एस्पेक्ट्स को, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। जोसेफ स्टिग्लिज है, इकोनॉमिस्ट हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये अवार्ड मीनिंग नोबल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है, इन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई है। ये ग्लोबलाइजेशन कुछ और नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन है कंट्रीज की, पीपल्स की, एक वर्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं और उन ममालिक में उनके अपने कल्चर के हिसाब से लोग हैं, उनकी इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन है हर लिहाज से। ऊपर जो हमने ये एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इन सब के इंटीग्रेशन को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक सिंपल चीज़ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन को आपने किस तरह से माइंड में रखना है। ग्लोब मीन एक वर्ड है, ग्लोब दुनिया को कहते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया का आपस में इंटीग्रेट हो जाना, मर्ज हो जाना, कल्चरली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, पॉलिटिकली, तो वो बन जाती है, दुनिया बन जाती है ग्लोबल विलेज, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स या कंट्रीज, तो ये डेफिनेशन आपने लिखकर जोसेफ स्टिग्लिस की आपने उनको कोट करना है कि ये डेफिनेशन इस बंदे ने बताई है, क्योंकि सीएसएस या पीएमएस में ये एक टेक्निक होती है, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में तो हम सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं, या हमने रेफरेंस देना होता है
कि ये बात किसने कही होती है, फिर जाके हमारी बात एक्यूरेट साबित होती है। ऑलराइट, सो ये पैराडाइम शिफ्ट कब से हुआ, ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई? ग्लोबलाइजेशन पैराडाइम शिफ्ट, ये कोल्ड वॉर के बाद से स्टार्ट हुई ग्लोबलाइजेशन। कोल्ड वॉर का जिक्र हमने किया था आपको, पाक यूएस रिलेशंस में पढ़ा दिया था मैंने। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि कोल्ड वॉर के वक्त दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनमें फ्री मार्केट सिर्फ 8% थी, और कोल्ड वॉर के बाद 1990 के बाद 1990 के बाद वो फ्री मार्केट का जो कंसेप्ट था पूरी दुनिया में वो 28% पर आ गया। पूरी दुनिया के 28% ममालिक फ्री मार्केट को परफॉर्म कर रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे। ओके, पहले डिफरेंट कल्चर थे, कोल्ड वॉर से पहले डिफरेंट कल्चर्स थे, देन ग्लोबल कल्चर आ गया। डिफरेंट कल्चर मीन बाउंड्रीज थी, कंट्रीज के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स थे, जंगों के खदशात थे। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने राइज किया, तो उसमें हमने देखा कि ग्लोबल कल्चर आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल है ग्लोबल कल्चर की। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान में हम अपने पेरेंट्स को देखें तो पैंट शर्ट पहनना कोई बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि ये बंदा अंग्रेजों की कॉपी कर रहा है, पैंट शर्ट पहन रहा है। तो बहुत ही लिमिटेड लेवल पर पैंट शर्ट का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबलाइजेशन जैसे हुई, वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आया मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, हमारी बाहमी इंटीग्रेशन के जरिए, तो लोगों ने पैंट शर्ट को ऑफिस के लिए स्पेसिफाई कर दिया, पहनने लगे। तो 21st सेंचुरी, अब 2022 में देखें तो लड़कियों ने भी अब नॉर्मल सी बात हमें लगने लगी है कि वो भी पैंट शर्ट यूज़ करने लगी है। यही चीज़ अगर हम 90s में देखते तो हमें बहुत बड़ी कोई बात लग जानी थी। जी, मीन्स अडॉप्टेड लिबरलिस्ट अप्रोच। हमने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको एज अ कल्चर बता रहे हैं कि कल्चर कैसे यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट का मीन है कि एक कल्चर है, उनकी एक एग्जाम्पल है, उनका अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है, तो वो हमने जहाँ पर अडॉप्ट कर लिया पाकिस्तान में, तो ये एक शिफ्ट हो गया, चेंज आ गया पाकिस्तान में, जो कि पहले कल्चर नहीं थे। सरदार, नॉन सीरियस क्वेश्चन ना करें, टू द पॉइंट रहें। ओके, अब इसकी हम मजीद कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लोबल कल्चर हो गया है, फ्री मार्केट, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। बॉयज इस एग्जाम्पल को इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, लड़कियों के लिए भी है एग्जाम्पल। फ्री मार्केट, चाइना की जो मार्केट है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक फ्री मार्केट आई है जिसको आप चाइना मोटरसाइकिल के नाम से जानते होंगे। जापान की बाइक्स हैं 70 है, 125 है उसकी प्राइस में, और चाइनीज बाइक जो कि फ्री हमें विदाउट टैक्सेस विदाउट ड्यूटीज हमें पड़ रही हैं, यही रीज़न है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्योंकि जापानीज या इम्पोर्टेड बाइक्स जो कि दूसरी कैटेगरी की हैं, ब्रांड्स की हैं, वो अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फ्री मार्केट और ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने पाकिस्तान में ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले अपना दी थी। तो इसको अब आम आदमी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, तो हर कोई इस चीज को एंजॉय कर रहा है। इसको हम लिख देते हैं
टैक्स फ्री मार्केट ट्राई की करें, यहाँ पर हमने सिनोनिम यूज करने हैं एग्जाम्पल में भी, और ये एग्जाम में भी आपने ये टेक्निक अपनानी है। सरदार सरदार सरदार, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? डिस्टर्ब कर रहे हो आप हमें, व्हाइट बोर्ड यूज ना करें। ओके इसके अलावा एक और एग्जांपल है, मोबाइल की एग्जांपल ले लें। बहुत फेमस मोबाइल आया था टैक्स फ्री, क्यू मोबाइल, उसने मार्केट में काफी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट किया था। हर बंदे के अप्रोच में था, आम आदमी के अप्रोच में था, और उसको सैमसंग या दूसरे बड़े ब्रांड्स उनके मुकाबले में लॉन्च किया गया था। तो बाद में खैर टैक्स और टैरिफ्स की रीजंस के बिना पर उसको बैन कर दिया गया। एंड अब हम इसके एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चार डायमेंशंस हैं, चार एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। इंट्रोडक्शन में आपको बता दिए हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है। तो इन सारों का ओवरव्यू आपको दे दिया गया है। अगेन भी इसको मैं बता देता हूँ, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का जो एक पॉजिटिव है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ओके, इसका जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है किसी भी डेवलपिंग स्टेट में वो एफडीआई की सूरत में पड़ता है। एफडीआई क्या बोला है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो आपकी इकोनॉमी बूम करती है, आपकी स्टॉक मार्केट राइज करती है, आपके कंट्री में डॉलर्स आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की एक वन वर्ल्ड करेंसी है डॉलर, पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर्स में आती है। तो एफडीआई जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है किसी भी एक कमजोर स्टेट में, तो उसके पास डॉलर्स आ जाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि कोई भी कमजोर माशी तौर पर चैलेंज्ड स्टेट हो उसको प्रॉब्लम रहती है इंपोर्ट करने में। जब वो इंपोर्ट करना चाहती है तो उसको मैक्सिमम डॉलर्स की जरूरत होती है, और वो डॉलर्स कहाँ से लाती है? वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, और ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस पर हम लोन लेते हैं, डेट स्ट्रेस हो जाती है स्टेट, तो उस चीज से ये हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है एफडीआई। और 2018 to 19 हमारी रिकॉर्ड एफडीआई आई थी, दैट इज 2.1 बिलियन डॉलर्स। ओके इसके बाद है इन्वायरमेंटल, शॉर्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे। कन्वेंशंस हैं, अकॉर्ड्स हैं, रियो समिट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटीज हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है, क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है एक मैस लेवल पर,
तो उसमें छोटी स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही ग्लोबल वार्मिंग में, वो भी उससे इम्पैक्ट ले रही हैं। हाँ ग्लोबल कन्वेंशंस हैं जो कि अभी मैंने डिस्कस की हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं दे दूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल है, बेसिकली क्योटो सिटी है जापान का जहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी, तो उसके नाम पर क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम रखा गया है। अर्थ समिट है, रियो समिट, इसको डिटेल में हम अपने ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें इन कन्वेंशंस में जब पूरी दुनिया के स्टेट हेड्स या मिनिस्टर्स, क्लाइमेट के मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज वो सिटिंग करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट एक टेबल पर आ जाता है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन के ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, इसको हम टैकल कैसे करें। तो उसके नतीजे में कन्वेंशंस पास की जाती हैं, एकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर उनको मॉनिटर किया जाता है, आइदर दे आर वर्किंग और नॉट, आइदर वी आर मीटिंग आवर टारगेट्स और नॉट, क्योंकि नेट जीरो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा टारगेट है बाय 2050, उसका हमें 50% अचीव करना है टिल दैट 2030। माइक ऑफ कर दें, किसका माइक ऑन है? ओके बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आईआर, यूएस हिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसीज और पाकिस्तान के रिलेशंस विद द वर्ल्ड वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन। इसमें लोकल क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, इजीली हाईलाइट किया जाता है, जिस तरह से कश्मीर इशू है और जिस तरह से कोई भी टेरिटोरियल इशू है, रेफ्यूजीज का क्राइसिस है, अफगान रेफ्यूजीज क्राइसिस, उसको क्योंकि 30 लाख, आई थिंक 30 लाख या 35 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं लीगली और इलीगली, कुछ को लीगल किया गवर्नमेंट ने और कुछ क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती जाती है और ड्रग ट्रैफिकिंग भी उसी नतीजे में हो रही है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि जो लोग हैं रेफ्यूजीज हैं उनको शेल्टर मिल जाता है, नेबर कंट्री, और नेबर कंट्री को क्या लॉस होता है, उन पर वो बर्डन बन जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, इंटरनल स्टेबिलिटी को थ्रेट होने लग जाता है। तो एज वेल एज जहां इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं इसके। तो इसका कश्मीर इशू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, शायद नहीं लिखा। कश्मीर इशू अगर हाईलाइट हुआ है तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर फ्राहम किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर आपने अपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को राइज किया है, दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर इशू में ये ह्यूमैनिटेरियन इशू चल रहा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है। तो वहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थे, इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है और प्रमोट किया है अपर लेवल तक और पूरी दुनिया को दिखाया है, पूरी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन से फिर रेस्पॉन्स आया है।
ओके अब कौन सा रह गया है, कल्चरल डायमेंशन को देखना है। कल्चरल डायमेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको एक कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट पर आप अब अच्छा खासा कंसेप्ट आ गया होगा और आप उसको लिख सकते हैं पेपर में। सोशली इंटरेक्शन है दो सोसाइटीज की, वेस्टर्न कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है जो कि चाइनीज है, अरबी अरेबिक कम्युनिटी है। तो ये डायमेंशंस, ये ग्लोबलाइजेशंस तो इंटरचेंज हो रही हैं, उनका कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है, हमारा कल्चर उनके यहाँ आ रहा है, तो उसमें हमारे लैंग्वेज में फ़र्क आ रहा है। पाकिस्तान की अब कौमी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन हमारी सरकारी ज़बान इंग्लिश है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ये हमारे कल्चर पर इम्पेक्ट पड़ा है, हमारा ड्रेस कोड चेंज हो गया है, हमारे यूनिफॉर्म्स चेंज हो गए हैं, ड्रेस कोड, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें डोमिनेट कौन करता है, या हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देते हैं कि हु डोमिनेट्स द ग्लोबलाइजेशन। हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट से दोनों डिस्कस किए हैं, तो अब नतीजा ये है कि यूनाइटेड नेशन है एक बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स की है, उसको यूनाइटेड स्टेट्स हेड कर रहा है यूनाइटेड नेशन को, अमेरिका, क्योंकि जो भी सुपर पावर है, जिसकी इकोनॉमी मजबूत है, जिसका कल्चर मजबूत है, वही ग्लोबलाइजेशन को डोमिनेट करेगा, वही अपना इंप्रेशन जमाएगा पूरी दुनिया पर। अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उन पर वो अपना कल्चर अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान सुपर पावर है अगर दुनिया की, अगर पाकिस्तान सुपर पावर है तो आप अपना ड्रेस कोड, अपनी शलवार कमीज अंग्रेजों पर अप्लाई कर सकते हो, वो इस चीज को कॉपी करेंगे क्योंकि आप रूल कर रहे हो दुनिया पे, आपकी लैंग्वेज को वो अडॉप्ट करेंगे। अब चाइना है, चाइना क्यों अब चाइनीज लैंग्वेज पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, सिखाई जा रही है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। सेकंड फैक्टर क्या है, वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, उसकी इकोनॉमी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इस वजह से अब वो अपना कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, कल्चर अगर स्प्रेड हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है, तो चाइना विल राइज साइकोलॉजिकली एंड कल्चरली एंड सोशली। ड्यू टू देयर, ये कंसेप्ट के लिए लिख देते स्टेटस, बेनिफिट्स क्या है अब ग्लोबलाइजेशन के, अब हम बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आ जाता है, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेट मी चेक द चैट, समबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन। मलिक ओके, मैं शेयर कर दूंगा, आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। सरदार मोहसिन, जस्ट लिसन, यू आर टोटली इरेलीवेंट। फोकस ऑन द वर्ल्ड, पांच मिनट का ब्रेक करते हैं, इसके बाद हम मीटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, चाय शाय पानी शानी पीना है पी लें, 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं। ओके।